पंजाब का कैंसर क्या उसके हाथ में? सिद्धू साहब इधर, मुझे लगता है कि सिद्धू साहब इधर देखो, बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है वो बदलाव के लिए आगे आएंगे। युवाओं को क्या कहना चाहते हैं और नौजवान सिद्धू साहब? लास्ट टाइम यू वर्न बाय 40,000 सीट, सो दिस टाइम दी कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी टफ सर। हु टोल्ड यू अंग्रेजी बोल, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राइट नाउ ब्रदर, अंग्रेजी बोलने से कॉन्टेस्ट टाइट नहीं हो जाते, वो भय है, वो डर है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि माफिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा होके आगे आया है, लेकिन इकट्ठे को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहे। सिद्धू साहब पैसे बंडन दी वीडियो आ रही है जी। मेरे विरोधियों दी है ना, तो इन्हों को हराम दे पैसे है, लड़ाई हराम ते ईमान दी। बंधा हुआ है, पंजाब को दीमक की तरह चाट रहा है और खोखला कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बदलाव जो पंजाब में एक नए सिस्टम की रचना करना चाहता है, जिस तरह से नई सवेर आती है, नया सृजन होता है, और कभी कभी वर्षों बाद जब रेगिस्तान में बारिश होती है तो सौंधी खुशबू उठती है, तो ये बदलाव की सौंधी खुशबू है। एक सिस्टम, एक रोड मैप के साथ नीतिगत और योजनाबद्ध तरीके से बदलने का एक प्रयास है। अब लोग किस तरफ झुकते हैं, पंजाब के लोग बहुत सयाने हैं, वो किस तरफ झुकाव रखते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादों को वजीर बना दे और कभी जरा सी गलती पे शहजादों को फकीर बना दे। वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। आज ये माफिया, इसका पर्दाफाश हो चुका है, ये चौराहे के बीच में ठेकेदारी सिस्टम को जो गिरवी पंजाब को रखा हुआ है वो पर्दाफाश हो चुका है, और जो हमारा सिस्टम है वो किस तरह से निजी स्वार्थों में पंजाब का खजाना लूट रहा है वो भी बेनकाब हो चुका है। इसलिए लोगों के पास चयन है, ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, अगली पीढ़ी के लिए इलेक्शन।